नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो राजस्थान होमगार्ड 2500 पदों की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास रहने वाली है। दोस्तों, आप सभी विद्यार्थी बहुत ही लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब हमारा फिजिकल होगा और कब हम होमगार्ड के लिए सेलेक्ट हैं, क्योंकि दोस्तों इस भर्ती के लिए सिर्फ आपको फिजिकल करना है और जो आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, सर्टिफिकेट्स प्लस आपके फिजिकल के नंबर जुड़कर ही इस भर्ती के लिए आपका सीधा सिलेक्शन हो जाएगा। तो बड़ी खुशखबरी है, राजस्थान गृह मंत्रालय के द्वारा दीपावली से पहले आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। दोस्तों, कुछ लोगों के मोबाइल पर डायरेक्ट लिंक भेज दी गई है विभाग की साइट के द्वारा, और अभी ऐसा नहीं है कि सभी विद्यार्थियों के एक साथ फिजिकल होंगे, तो कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं और कुछ के धीरे धीरे हो जाएंगे। यानी कि आपको जो एडमिट कार्ड हैं या विभाग की साइट है वो बार बार चेक करनी है, SSOID बार बार चेक करनी है, कहीं आपका मतलब निकल नहीं जाए फिजिकल। तो दोस्तों, यहां पर अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि SSOID से आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते और किस प्रकार से अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं पूरी जानकारी पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल होंगे और आप अपने मोबाइल से ही अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर गूगल जो ब्राउजर है, गूगल पर आपको क्या करना है, SSO.SSO यहां पर लॉगिन लिखना है और इसके बाद में आपको सर्च कर देना है। जैसे कि दोस्तों, मैं आपके सामने यहां पर लिखूंगा, यहां पर आप देखें ये वाला आपको लिखना है SSO लॉगिन, इस पर लिखना है और इस पर मैं एक बार दोस्तों क्लिक कर देता हूं। तो यहां पर आप देखेंगे तो इस प्रकार का पोर्शन आएगा और जो फर्स्ट वाले लिंक है, जैसे ही आप सर्च करेंगे और जो फर्स्ट वाले लिंक है तो इसको हमको इसके बाद में सर्च करना है, ये देखिए। तो दोस्तों, इसके बाद में आपको क्या करना है कि जो भी आपके रजिस्ट्रेशन हैं और जो पासवर्ड हैं वो आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं, तो मैं यहाँ पर उसको फिल कर देता हूँ। दोस्तों, SSO ID और पासवर्ड लगाने के बाद और उसके बाद में सर्च करने के बाद इस प्रकार का पोर्शन आएगा आपके मोबाइल पर। यहाँ पर आप देखें डिस्प्ले पर आपको इस प्रकार से कुछ दिखेगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान करने वाली चीज़ ये है कि जो ये रिक्वायरमेंट स्टैक 2, ये कुछ मोबाइल पर इधर आ रहा है और जो रिक्वायरमेंट पोर्टल है ये कुछ लोगों के मोबाइल पर इधर आ रहा है, यानी कि ये उल्टा सीधा हो रहा है। तो आपको क्या करना है, ये इन दोनों चीज़ों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहां पर मैं जो ये वाली चीजें हैं इस पर मैं क्लिक करूंगा, यहां पर रिक्वायरमेंट पोर्टल पर, ये देखिए मैंने यहां पर ये क्लिक कर दिया है इस पर। तो इसके बाद में आपके सामने इस प्रकार से आएगा और यहां पर देखिए दोस्तों, इस प्रकार से जब आ जाता है तो यहां पर आपको जो ये नीली वाली लाइन है, ऊपर जो नीली वाली लाइन है, यहां पर आपको कहीं ना कहीं गेट एडमिट कार्ड इस प्रकार से दिखाई देगा, थोड़ा हल्का दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखें गेट एडमिट कार्ड आपको दिखाई देगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैं जो ये गेट एडमिट कार्ड है इस वाले ऑप्शन पर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर आपके सामने एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरी चीजें बता रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी यहाँ पर इस बंदे का जो यहाँ पर पटवारी के जो एडमिट कार्ड है वो तो आ गया है और जो अभी होमगार्ड का जो एडमिट कार्ड है वो अभी नहीं आया है। तो दोस्तों, यहाँ पर चिंता करने की कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको SSO ID बार बार चेक करनी है कब हमारा एडमिट कार्ड आ जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप SSO ID से डायरेक्ट अपने जो एडमिट कार्ड है वो चेक कर सकते हैं। और ये थी पूरी जानकारी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को यार आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।